हाय, कैसे आप सब। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ड्राई हेयर कट। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बालों को अच्छे से ड्राई कर लेना है। मैंने शैम्पू किया, अभी शैम्पू के बाद ड्राई करूँगा। ड्राई के बाद आपको ये भी दिखा रहा हूँ ड्रायर कैसे करते हैं, देन उसके बाद जो ड्राई हेयर कट है वो दिखाऊँगा आपको। सो बी रेडी, मेरे साथ बने रहिए और पूरा हेयर कट देखिएगा। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। जो ड्राई हेयर कट है उसके लिए सीज़र अलग होती है, आप वही सेम सीज़र यूज़ नहीं कर सकते हो। ड्राई हेयर कट के लिए अलग सीज़र आती है, वेट हेयर कट के लिए अलग सीज़र आती है। सो हम यहाँ पे डिफरेंट सीज़र यूज़ करने वाले हैं। मैंने शैम्पू किया है, सबसे पहले मास्क लगाया है 15 मिनट, देन वॉश किया है। रिंस करने के बाद मैंने टॉवल ड्राई किया है। अभी सेक्शनिंग कर रहा हूँ, सिरम लगा के टेंगल फ्री करूँगा बालों को अच्छे से, जितने सब सारे टेंगल निकल जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग ड्रायर स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही ड्रायर होगा, आप देखिएगा ड्रायर करने का तरीका क्या है। आपको एक स्ट्रेट ड्रायर टेक्निक यूज़ करनी है इसमें। ध्यान से देखिएगा, मैं बालों को अच्छे से जितने भी टेंगल्स हैं वो निकाल लूँगा। देन आई विल डू ड्रायर। फर्स्ट आपको बहुत पीसफुली, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से बालों के साथ जो टेंगल्स हैं वो निकालनी है विद द हेल्प ऑफ पेडल ब्रश। पेडल ब्रश आपको टेंगल्स निकालने में हेल्प करता है और ख़राब नहीं करता आपके बालों को, टूटने नहीं देता है। प्रिवेंट योर हेयर फ्रॉम टेंगलिंग, यूज़ हेयर सीरम एंड पेडल ब्रश। ओके, तो ये आपको एक संदेश है या एक मैसेज है कि आप पहले पेडल ब्रश से टेंगल्स निकालें और सीरम यूज़ करें, ये ज़रूरी है बालों के लिए। एंड देन ड्रायर शुरू करें। चलिए अभी ड्रायर शुरू करते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो मैं निकाल लूँगा। जैसे ही पूरा पानी आपके बालों में से निकल जाता है, देन आई एम स्टार्टिंग ड्रायर ऑन अ लो हीट, मीडियम हीट बोलते हैं जिसको। हम मीडियम हीट से ही बालों को पहले 50-80% बालों को सुखा लेंगे, जिस तरीके से मैं सुखा रहा हूँ आप देख रहे हो। आपको ड्रायर मूव करते रहना है, ड्रायर को बिल्कुल भी एक जगह पे रोक के नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, बाल पूरे जल जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बाल जलने से, ड्राई होने से बचाने के लिए ज़्यादा ना ड्राई हो, इसको मीडियम हीट में रखो और ड्रायर को मूव करते रहो बार बार, ताकि बाल बहुत अच्छे से रहें। ओके, जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको पता चले कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब डाल रहा हूँ, सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल का आइकन है छोटा सा, उसको ज़रूर दबाएं, तो हर बार आपको एक मैसेज मिला करेगा कि हमने एक नया वीडियो अपलोड किया है। सो सी, देख रहे हैं मैं हर एक एरिया में रूट से लेके एंड तक पूरे बालों को अच्छे से सुखा ले रहा हूँ। साथ साथ में एक छोटा छोटा संदेश भी दे रहा हूँ, एक मैसेज भी दे रहा हूँ, यूज़ हेयर ड्रायर ऑन मीडियम हीट। जैसे कि मैंने पहले बताया, बालों को ड्राई करने के लिए ड्रायर का हीट का जो बटन है या टेम्परेचर है उसको लो कर लो, जिससे क्या होगा, बाल ड्राई नहीं होंगे और आप अच्छे से बालों को ड्राई कर पाओगे। ओके, यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ब्रश का नाम है डेनमैन, DENMEN, डेनमैन। ये एक UK ब्रांड है और इनके ब्रशेज जो हैं वो बहुत लंबे समय तक टिकते हैं और बहुत अच्छे ब्रिस्टल्स हैं। ये मेल्ट नहीं होते हैं ड्रायर की हीट से भी। ऑलमोस्ट मैं, अगर आप अच्छा रूटीन में ड्रायर हेयर कट कर रहे हो तो 1 साल से ऊपर चल जाते हैं। और जो रूटीन ब्रशेज़ हैं वो आई डोंट थिंक आपके 1 महीना या 2 महीने से ज़्यादा टिकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे ब्रश में इन्वेस्ट करो। जैसे ये ब्रश जो मैंने लिया है 1200-1500 का होगा, बट ये चलेगा भी लंबा। सो दैट्स बेटर कि आप एक अच्छा ड्रायर लें, अच्छा ब्रश लें, अच्छा पैडल ब्रश लें, ताकि वो इन फ्यूचर आपको लंबे समय तक यूज़ में आ सके। ओके? और काफ़ी सारी चीज़ें मैं हमेशा, चाहे वो आप US में हो, कैनेडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में, काफ़ी सारी चीज़ें सेम वर्क करती हैं, क्योंकि बाल सबके सेम होते हैं, टूल्स भी सेम होने चाहिए। ये टूल्स जो मैंने बताया, डेनमैन UK का ब्रांड है। तो मैंने एक्चुअल इंडिया में मिलता है, इजीली अवेलेबल है, हर जगह पे मिलता है, ऑनलाइन आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी खरीद सकते हो। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग बाय कर सकते हो अमेज़ॉन से, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट रेट पे मिल जाएगा आपको। ड्रायर, पेडल ब्रश एंड राउंड ब्रश का लिंक दे दूंगा मैं आपको। और ध्यान से आप देख रहे हो मैं कैसे मूव कर रहा हूँ बार बार, ड्रायर रोक नहीं रहा हूँ, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। अगर ड्रायर रुकेगा तो दैट मीन
क्लाइंट के बाल जलेंगे। तो जलने से रोकने के लिए आपको ड्रायर मूव करना पड़ेगा बार बार। तो ये एक प्रोसीजर है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आप ड्रायर देखिए, मैं सीधा आपको फिर मिलता हूँ एंड पे जब हम बाल काटेंगे, ड्राई हेयर कट दिखाऊंगा। ओके,
ओके, तो हेयर कट करने के लिए सबसे पहले मुझे सेक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, सेक्शनिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बालों को अपने हाथ में डिफरेंट छोटे सेक्शन से हैंडल नहीं कर पाओगे, तब तक आप सेक्शनिंग करना ज़रूरी समझो। यहाँ पे क्लाइंट के जो बाल हैं वो काफ़ी हैवी हैं, इसलिए मैंने सेक्शन किए हैं ताकि मैं उनको ईजिली हैंडल कर पाऊँ, अपने हाथों में ले सकूँ, और फिर उसके बाद जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं या एंड्स हैं, ट्रिमिंग करना है या बाल काटना है, आप उस तरीके से काट पाओ। सी, मैंने मेरे हाथों में हैवी सेक्शंस मैं हैंडल कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। आप उसको काम करते करते आपको आ जाता है। अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो आप छोटे सेक्शन भी ले सकते हो। बिगनर्स के लिए छोटे सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो मोटे सेक्शन या बड़े सेक्शन भी लेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पीछे एक लाइन बना रहा हूँ, एक डायमीटर क्रिएट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बाकी का हेयर कट क्रिएट कर पाऊँगा। तो सबसे पहले बैक में एक लाइन क्रिएट करना है, स्ट्रेट लाइन। देन उसके बाद मैं इसको लेयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जितने भी एंड्स हैं, डैमेज हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, वो निकाल दूंगा। ड्राई हेयर कट के लिए मैंने बोला जैसे कि सीज़र अलग आती है, काफ़ी सारे ब्रांड में आती है, स्पेशली ड्राई हेयर कट के नाम से ही, ड्राई हेयर कट करने के लिए ही मतलब सीज़र आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप लोग बाय कर सकते हो स्पेशली फॉर द ड्राई हेयर कट। ओके, मैंने सेक्शन किया, अभी आगे वाले बाल ले रहा हूँ लेफ्ट साइड में, क्लाइंट के ईयर के ऊपर वाले बाल। जितने भी आपके बालों के एंड जो हैं डैमेज हैं, मैं वो सारे निकाल दूंगा ताकि ग्रोथ और ज़्यादा अच्छे से हो जाए। मैं ये चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ, जब तक आप एंड्स नहीं काटते हो क्लाइंट की ग्रोथ कभी नहीं होती है। तो एंड्स हमेशा कट करते रहो आधा इंच जैसा, क्लाइंट को बुरा भी नहीं लगेगा अगर आप आधा इंच काटते हो। और अगर एक इंच से ज़्यादा काटोगे तो ऑब्वियसली क्लाइंट को ऐसा होगा कि ये क्या कर दिया, मेरे इतने सारे बाल क्यों काट दिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपके बालों को सिर्फ शेप दे रहा हूँ मैं, शेप देने से आपके बाल और ज़्यादा ग्रोथ होंगे। और ग्रोथ किसको नहीं पसंद है, इवन क्लाइंट हो या कोई भी हो, क्लाइंट को हमेशा ग्रोथ के बारे में बात करो, उसको पसंद है। तो आप बोलो कि आपके बाल काटने से ऑब्वियसली बढ़ते हैं, डैमेज जितने भी हैं, आप एंड्स काटते रहो तो अच्छे से ग्रो होंगे, पोरोसिटी निकल जाएगी, डैमेज बाल निकल जाएंगे। ये एक ट्रिक होती है अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने का, क्योंकि क्लाइंट को ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं पता है, आपको बताना होता है। ओके, तो यहाँ पे हेयर कट हो गया, थोड़ा सा स्लो मोशन दिखाऊंगा और देखिएगा, बताइएगा। स्लो मोशन वीडियो डाला है मैंने यहाँ पे, और ये देखने के बाद आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं वो वीडियो अपलोड कर सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज दे सकूं। ओके, सी कितना ज़्यादा शाइन है, अगर आप एक अच्छा ब्लो ड्राई करते हो उसकी वजह से शाइन आता है। एक प्रॉपर अच्छा ब्लो ड्राई करो अच्छे ब्रश के साथ, जो कि क्यूटिकल्स को क्लोज करता है, और बालों में शाइन आ जाती है। सी, क्लाइंट भी हैप्पी है, बाल कितने अच्छे से मोशन में आ रहे हैं, कितने अच्छे से हिल रहे हैं, उलझ नहीं रहे, राइट? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसको ज़रूर फॉलो करो। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।